I had literally no idea to make a new video. Literally, no idea at all. तो मैंने सोचा भाई वीडियो तो बनानी है, क्या बनाऊं? I thought कोई नहीं, अपने बारे में बना लेते हैं, अपने बारे में. So let me first explain what is happening with me in my life right now. पर उससे पहले ये गद्दा साफ कर. जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना. तुम्हारे पास हाथ तो दो होते हैं पर तुम काम एक ही से कर पाते. हर मर्द इस दर्द को समझता होगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मॉर्निंग तो नहीं है, आफ्टरनून है, तुमको जो लेना है ले लो. वैसे 12:20 हो रहा है एंड आज 10th अप्रैल है. अभी मैं एडिट कर रहा था अपनी व्लॉग, जितनी बनी है बहुत कम बनी है एंड अब मुझे पढ़ने बैठना है फॉर माय लास्ट बोर्ड एग्जाम जो 13th को है. एंड या अगर तुमने नहीं देखी है वो बोर्ड एग्जाम वाली वीडियो तो ये उसी चीज का, अभी तक मैंने मिटाया नहीं. आई एम यूजलेस. और साथ ही साथ अप्रैल का सीजन भी आ चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. बेसिकली स्टार्ट ऑफ द अप्रैल में इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए, एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट ऑफ मई में बहुत गर्मी होती है, पर अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. और क्योंकि गर्मी का सीजन है तो पसीना तो आता ही है, पर घर में बैठे बैठे कोई भी इंसान सिर्फ 3 रीजन से स्वेट कर सकता है. एक रीजन, वो सो रहा है या फिर वो बैठा हुआ है और उसकी काम वाली आकर के पंखा वंखा बंद करके झाड़ू पोछा करने लगती है तो गर्मी लगती है, पसीना आता है. दूसरा रीजन, उसने जानबूझ करके पंखा बंद किया होता है, जैसे मैंने इस वक्त व्लॉगिंग के लिए पंखा बंद कर रखा है, एसी बंद कर रखा है. और तीसरा रीजन, वो बाथरूम से आया है, क्योंकि बाथरूम में पंखा नहीं होता है और कोई भी औसतम इंसान बाथरूम में 5 से 10 मिनट तो लगाता ही है. तो 5 से 10 मिनट में बिना पंखे के बहुत गर्मी होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो वो घंटे भी पार हो सकते हैं. यू नेवर नो. तुम लोग क्या करते हो मुझे बताओ. सो भैया पिज्जा तो हो गया डिस्पैच. मैंने अभी टीवी में एक एड देखा फेयर एंड लवली का. उसमें यामी गौतम जी मैडम पार्क में घूम रही थी और दो लड़कियां उसको मिलती है. तो वो दो लड़कियां नॉर्मली उससे पूछती है कि बहन जी ये इतनी अच्छी निखार आपके स्किन में कैसे है. तो उसने बोला ये हुआ है क्योंकि मैंने फेयर एंड लवली की लेजर लाइट ट्रीटमेंट ली. तो उन्होंने पूछा कैसे, तो यामी गौतम जी मैडम ने क्या किया, एक ट्यूब दी उनको और कहा कि ये लेजर लाइट ट्रीटमेंट है फेयर एंड लवली का. तो वो मैडम वो ट्यूब को खोलती है और खोलने के बाद बोलती है इसमें तो लाइट ही नहीं है. मतलब तुमने एक क्रीम को, एक ट्यूब को खोला है ये सोच करके कि उसके अंदर लाइट होगा. फिर वो बोलती है नहीं 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 नहीं, इसमें लाइट नहीं है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो तुम्हें लेजर लाइट ट्रीटमेंट देंगे. छी यार, चलो समझता है तुमने बहुत गंदे एड्स बनाए हैं, पर इतने गंदे एड्स. सो जो मैंने आप लोगों को कल रात को कहा था कि मैं बताऊंगा मेरे साथ इस वक्त लाइफ में क्या चल रहा है, वो मैं आज अभी बताने वाला हूँ. 5 बज रहे हैं. ये देखो ये बच्चे इधर आम तोड़ रहे, कितना शोर कर रहे, इतना शोर कि मैं वीडियो, ये देखो
पूरा पेड़ ही गिरा दे मेरे भाई। ये देखो इसको देखो। शायद बहुत लोगों को पता होगा मेरे इस वक्त बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं 12th के, और एक एग्जाम बचता है जो है फिजिकल एजुकेशन का, जो 13th अप्रैल को है। इस एग्जाम के बाद भी मेरी कहानी खत्म नहीं होती। 10th वालों की तो खत्म हो जाती है, बट 12th वालों की अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं होती। जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना है उन्हें अभी भी वेट करना है। 3 जून तक आई डोंट थिंक सो इतना रेगुलर वीडियो आएगा। तो मेरी लाइफ में यही चल रहा है इस वक्त, दिन भर पढ़ना है और कुछ काम नहीं है। तो आज के इस व्लॉग में आई नो बहुत टाइम पार हो गया है, पर बेसिकली हम क्या बात करने वाले, मैं अपने बारे में आप लोगों कुछ कुछ बताऊंगा जो शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते हो। थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में शेयर करेंगे। हाँ तो बस यही। इवन दो आई करेंटली लिव इन मुंबई, पर इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में नोएडा में रहता था। तो वहां पर आई यूज टू गो टू अ स्कूल कॉल्ड एज विश्व भारती पब्लिक स्कूल। वो स्कूल मुझे याद है बहुत ज्यादा बड़ा स्कूल था, एंड अर्ली मॉर्निंग जब हम उस स्कूल में घुसते थे तो गायत्री मंत्र उसमें बजता रहता था। एंड देन क्लास के बाहर हम लोग लाइन बनाते थे एंड मॉर्निंग असेंबली उस टाइम पे होती थी, प्रेयर्स होती थी। एंड आई रिमेम्बर 15 रुपए की छोटी छोटी बुक्स होती थी जिसमें प्रेयर सॉन्ग लिखी थी। आई थिंक आई हैव दैट बुक, आई हैव 2 बुक्स, मैंने वो 2 खरीदी थी। मैं वो बुक ढूंढ के लाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बुक बहुत ढूंढा, इतनी छोटी सी बुक थी पर मुझे वो मिली नहीं। हमें लाइब्रेरी से जाकर के 15 रुपए में वो बुक्स खरीदनी पड़ती थी, मैंने 2 खरीदे थे बस ऐसे ही। एंड उसके बाद 2008 में वी गॉट शिफ्टेड टू मुंबई। मैं उस समय 3rd क्लास में था एंड मुंबई में आई गॉट एडमिटेड टू, यहाँ पे मुंबई में आई स्टडीड इन रायन इंटरनेशनल स्कूल। फिर मुझसे ये पूछा गया कि तुमने ये यूट्यूब चैनल शुरू क्यों किया। सो मेन रीजन ये था कि बचपन से ही आई वांटेड टू बी एन एक्टर। इनफैक्ट अभी भी मुझे एक्टिंग करने का बहुत मन है। यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियोस देखी थी उस एज में जब मैं 15 साल का था 2015 में, एंड अचानक से आई थॉट कि व्हाई शुडंट आई मेक समथिंग जो मैं इंटरनेट में डाल सकूं। मैं चाहता था मैं मूवीज बनाऊं, एंड देन आई थॉट कि क्यों ना मैं मूवी नहीं तो एक शॉर्ट फिल्म सी बनाऊं जो मैं एंड जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वीडियो का नाम था इज दैट ऑल व्हाट गोज थ्रू अ टीनेजर। आई अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। उस टाइम पे मुझे लाइक्स नहीं पता था क्या होता था, मुझे नहीं पता सब्सक्राइबर्स क्या होता, कमेंट क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था यूट्यूब चलता कैसे है। मुझे बस पता था कि मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाली है, इंटरनेट पे है, कोई भी देख सकता। अब क्योंकि वो मेरी पहली वीडियो थी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। नेचुरली वो एक्साइटमेंट तो आती है यार, हमने मूवी सोच करके वो वीडियो बनाई और अपलोड मारी है, तो मैंने फेसबुक पे शेयर कर दी। सो वहां से शुरू हुआ। एंड देन मुझे इतना अच्छा वाला चस्का पड़ा, जब तुम कोई भी चीज पहली बार करते हो तो तुम्हें वो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है एंड तुम्हें उसकी आदत लग जाती है लाइक थोड़े टाइम के लिए। वैसा ही फर्स्ट वीडियो जैसा मैंने एक सेकेंड वीडियो उसी नेक्स्ट डे या उसके एक दिन बाद मैंने बना दिया। एंड उस टाइम पे आई डिडंट हैव एनी कैमरा, मेरे पास कोई प्रॉपर कैमरा नहीं था शूट करने के लिए। आई हैड अ पॉइंट एंड शूट कैमरा, वो सोनी का कैमरा नहीं आता था पहले, साइबर शॉट, सोनी साइबर शॉट करके, मेरे पास वो कैमरा था। एंड आई गेस वो 720p पे भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था। एंड आई रियलाइज की क्वालिटी तो बहुत खराब है। अब जैसे मोस्ट यंग यूट्यूबर सोचते हैं कि मेरे पास गियर नहीं है, मेरे पास एक प्रॉपर कैमरा नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम बड़े यूट्यूबर्स को देख के इंस्पायर होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर कैमरा नहीं है तो हम अपनी वीडियोस बनाए कैसे। हमें ये नहीं दिखता कि मेरे पास फोन है, हमें ये नहीं दिखता मेरे पास लैपटॉप है जिसमें वेबकैम है, मुझे ये नहीं दिखता कि मेरी मम्मी के पास भी फोन है जिसमें अच्छा कैमरा है जो मैं यूज करके बना सकता। अभी मैं अपने फोन से बना रहा हूँ, वो भी सेल्फी फ्रंट कैमरा से। उस समय मुझे लगा मेरे पास तो कैमरा नहीं है, वो DSLR टाइप कैमरा नहीं है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे। तो मैंने बनाना छोड़ दिया, मैंने वीडियो करना ही छोड़ दिया, उसके बदले मैं वॉइस ओवर करने लगा। उस टाइम पे एक चैनल था शुद्ध देसी गाने, वो चैनल था जो बॉलीवुड सॉन्ग्स की पैरोडीज बनाता था। जो मेरे स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर्स है आई थिंक उनको पता रहेगा कि मैं भी ये करता था, मैं भी बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर पैरोडीज करता था क्योंकि मुझे गाने का भी बहुत शौक है। सो मैंने सॉन्ग पैरोडीज बनाना शुरू किया। देन आई स्टॉप डूइंग दैट क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने बोला तू बहुत गंदा काम करता है, एंड वो बात ना दिल पे लग जाती है। जब तुम शुरुआत करते हो कोई चीज और तुम्हें कोई डीमोटिवेट कर दे तो बात तुम्हें दिल पे लग जाती है। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड इट, लाइक फर्क नहीं पड़ता कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट। एंड एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज द सत्या शो। दैट चैनल यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, मुझे काफी पसंद था उसका स्टाइल। एंड आई गेस माई फर्स्ट कॉमेडी वीडियो वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। एंड वो मेरी जो पहली कॉमेडी वीडियो थी, फनी वीडियो थी, उसका नाम था वर्स्ट इंडियन कमर्शियल, इंडियन एड्स जो है वो उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। अभी इस वक्त मेरे चैनल में जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा दैट वॉज राहुल गांधी का वीडियो। आज तक का मेरे चैनल में सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो में आए हैं। सो अपेरेंटली जो वीडियो फर्स्ट है इस वक्त, सबसे पहली वीडियो इस चैनल में राइट नाउ,
दैट वॉज इन द फर्स्ट वीडियो, आई थिंक वो मेरी 12th या 13th या 15th वीडियो होगी, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज डिलीट किए. सो दिस हैज बीन माई जर्नी ऑन यूट्यूब सो फार. नाउ आई एम हैप्पी विथ वॉट आई मेक, बट एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं प्रॉपर टाइम इस पे दूंगा एंड बहुत अच्छी वीडियोस आएंगे. आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आप लोग को बोर हुआ, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक. एंड ऑल्सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, अभी कुछ 18 डेज बैक मैं एक 5-day ट्रिप पे गया था. सो दैट हैपेंड राइट आफ्टर माई बायो बोर्ड एग्जाम. वो 27th को था, हम 28th को ही निकल गए थे ट्रिप के लिए. हम अमृतसर गए थे, अमृतसर में वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग एंड बहुत सारी जगह. एंड उसके बाद हम जम्मू गए थे, जम्मू में वी डिड वैष्णो देवी की यात्रा. एंड फ्रॉम दैट वी वेंट टू दिल्ली, वहां पे एक रिलेटिव के घर थोड़ी देर रहे. एंड फ्रॉम दैट वी केम बैक टू मुंबई. योर फेवरेट आईपीएल टीम जेठा केजाबास? नो आई एम जोकिंग. वो पोपटलाल नहीं, वो कौन सी टीम है? दुनिया हिला देंगे, मुंबई इंडियंस. हु इज मोर विटी, योर डैड और योर मॉम? दोनों इक्वली है. मतलब पापा को जाकर के बोलते तो पापा बोलते मम्मी को पूछो, फिर मम्मी को पूछते तो मम्मी बोलती है पापा को पूछो, पापा को बोलते तो पापा बोलते मम्मी को पूछो. तो ऐसे पासिंग में मेरी बात खत्म ही हो जाती है.